गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार अपनी एक और नई वीडियो में स्वागत है। और पीछे अपनी बाइक धूप रही है साइन और इधर खड़ी है, तो मैं अब जल्दी से इसको पैक कर लेता हूँ, फिर चलते हैं अपना ऑफ रोडिंग के लिए। तो आज इसको भी ऑफ रोडिंग कराएगा और देखते हैं बैटरी चेंज होने के बाद में क्या अपडेट हुआ और कैसी अभी परफॉर्मेंस है और सारी चीज़ें रेंज वगैरह आज कवर करने वाला है। तो इसलिए अपन दो तीन वीडियो शूट करने वाले हैं। तो भाई पहले उसको धो रहे हैं, फिर इसकी सर्विस वगैरह होगी। तो मैं जल्दी से इसको पैक कर लेता हूँ, फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज के बारे में। तो दोस्तों फाइनली पिंटू का घोड़ा एक महीने के बाद में रिकवर होके बाहर निकलने के लिए रेडी है, और एक महीने के बाद आज इसकी एंट्री हो रही है। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है और क्या अपडेट वगैरह और क्या क्या हो। ये भाई अभी भी टच हो रही है आपकी गाड़ी आगे से, तो दिक्कत है वही है, मानना तो मौज है वरना भाई दुख रोज है, ऐसे ही कुछ हरकतें हो रखी है इसके साथ। सो अब चेक करते, मैं कर देता हूँ थोड़ा गेट बंद, फिर चलते। पिंटू की गाड़ी के साथ निकल चुके हैं और ये देखो ये कुछ ऐसी हरकत कराता रहता है। मेरे को इसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को खतरा है कि हमारी जो हमने एरिया कवर करने की सोची है वो कवर हो भी सकता है या निकल सकता है, बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है। मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, तो अभी देखते हैं कितनी रेंज कवर करती है और कितना क्या है। भाई पिंटू आपसे एक रिक्वेस्ट है, खड्डों में से बिल्कुल आराम से जितना स्लो हो सकते उतना स्लो निकालना, ताकि अभी कुछ दिक्कत ना हो तू ही यार।
दिन कुछ ऐसा था कि गाड़ी जब डिस्चार्ज हुई थी तो मैं आ नहीं पाया था, मतलब वीडियो उस टाइम बना नहीं पाया था क्योंकि रास्ते में बंद हो गई थी गाड़ी, तो पॉपट हो गया था काफ़ी मुश्किल से, तो लेके आए। तो अब मैं फाइनल आपको दिखाऊंगा कि मतलब अभी मैंने ला के चार्ज लगाई है, क्योंकि जब फाइनल डिस्चार्ज हो गई तो उसके बाद में मैंने ला के चार्ज लगा दी थी। तो अपन ने 1419 से स्टार्ट किया था और प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हो 1476 है, तो अप्रोक्स माने अपन तो 60 किलोमीटर के समथिंग इसने रेंज दी है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब पहले और अब मैं क्या अपडेट आया, तो पहले ये गाड़ी लगभग अपन को रेंज दे रही थी आई थिंक 30 से 35 किलोमीटर, तो अब एवरेज माने तो मतलब कम से कम 20 किलोमीटर का इसमें अपग्रेड हुआ है, तो अभी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और सबसे पहले ये भी प्रॉब्लम थी कि बैटरी में काफ़ी एज कम हो रहे थे, तो उसमें एज भी अपन ने ऐड किया, तो पहले 24 एज था अब 36 एज हो गया। तो इसलिए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की आपको वीडियो दिखाते रहेंगे।